लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। भारी बारिश से थमी मुंबई की रफ्तार, स्कूल कार्यालयों में छुट्टी घोषित। देश की वाणिज्यिक नगरी मुंबई में मूसलाधार बारिश ने सोमवार को शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए, जिससे शहर की रफ्तार थम सी गई है और परिवहन और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश के चलते स्कूल कार्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। पिछले दो दिन से शहर में भारी बारिश ने कहर ढाया हुआ है और सोमवार को भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने सोमवार को फिर से भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। भारी बारिश से जगह जगह सड़कें जलमग्न हैं और रेल यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लोगों को अपने कामकाज पर पहुंचने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दादर, ठाणे, माटुंगा, धारवी, कल्याण, सायन, परेल, कुरला, विद्या विहार, अंधेरी, मालाड और जोगेश्वरी के अलावा नालासोपारा और बसई की सड़कें भी जलमग्न हैं और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश को देखते हुए लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटों के दौरान कोलाबा में 170.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दहाणु में सुबह 5:30 बजे तक 308 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। विभाग का कहना है कि सोमवार शाम को और मंगलवार को और बारिश होने के आसार हैं। उपनगर के सांता क्रूज में पिछले 24 घंटे में 122 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन बेस्ट के बस परिचालन पर बुरा असर पड़ा है। बेस्ट प्रवक्ता के अनुसार बसें देरी से चल रही है, लेकिन किसी सेवा को रद्द अथवा निलंबित नहीं किया गया है। वसई में एक रेल ओवर ब्रिज को यातायात के लिए बंद किया गया है। बारिश के कारण ट्रेनों के आवागमन पर असर पड़ा है। पश्चिम रेलवे के अनुसार नालासोपारा में रेल पटरी पर भारी पानी का जमाव होने के कारण आवागमन बंद किया गया है। उपनगरी लाइंस पर रेल देरी से और धीमी गति से चल रही है। दादर, गोरेगांव और माटुंगा रोड के अलावा पानी में डूबी रेल पटरियों से पंपों के जरिए पानी निकाला जा रहा है, जिससे परिचालन को ठीक किया जा सके। मध्य रेलवे के तहत चलने वाली ट्रेनों की गति धीमी है, किंतु किसी सेवा को रद्द नहीं किया गया है। तीनों लाइनों पर रेल सेवा जारी है। कालवा और ठाणे के बीच एहतियात के तौर पर ट्रेनों की गति धीमी है। दृश्यता बहुत अच्छी नहीं होने के बावजूद मुंबई हवाई अड्डे पर विमानों की आवाजाही पर असर नहीं पड़ा है। ठाणे रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म तक पानी का जमाव है। कुरला में 3 मंजिली इमारत का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बारिश के कारण मुंबई के हवाई अड्डे पर दृश्यता कम हो गई है, लेकिन विमानों की उड़ान नियमित समय पर है। पिछले 24 घंटे में कोलाबा में 147 मिलीमीटर, वर्ली में 143, मझगांव में 81, दादर में 121, बांद्रा में 101, बीकेसी में 127, सांता क्रूज में 106, गोरेगांव में 186, मालाड में 164, कांदीवली में 178, चेम्बूर में 101, पवई में 140, भांडुप में 146, मुलुंड में 186 और पनवेल में 78 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।